जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। जो प्यार सपोर्ट आप दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सकारात्मक और सही जानकारी मिलती है। यहाँ कोई हम भ्रमित नहीं करना चाहते आपको और ना ही डराना चाहते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे कोई काम नहीं बनते। हम बहुत दिनों से किसी कार्य के प्रयास करते हैं और वो काम अंत तक जाता है, लेकिन वहाँ से हमारा काम नहीं बनता। या काम के दौरान कई सारे विघ्न आते हैं, बीच में रोड़े आ जाना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बात ये भी होता है कि काम बनते तो हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होता है। और चौथी बात है कि शत्रु बहुत हो जाते हैं काम के दरमियान, काम सही तरीके से चलते नहीं हैं, पारिवारिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा दायरा है ये। तो कोई भी परेशानी अगर आपके काम से रिलेटेड हो, आपके कोई भी कार्य से रिलेटेड हो जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न या प्रयास कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को आप कंटिन्यू करें और इनको फॉलो जरूर करें। और बहुत से एक और बात मैं कह, ये भी प्रैक्टिकल मैं बात कह रहा हूँ, मैंने कई सारे जातकों को ये उपाय बताए, उन्होंने किया है और 10 में से 8 लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मुझे यकीन है कि आपको भी मिलेगा, इसलिए मैं ये 3 उपाय आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपनी कमेंट्स में राय जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन पर कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहली बात है कि जब भी कोई काम के लिए हम निकले कि ये काम होना हो जाए हमारा, तो उससे पहले दोस्तों आप बजरंग बाण का पाठ करके निकले। एक आदत डाल लें, जिस भी काम को सिद्ध करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कंटिन्यू सुबह से करना शुरू रखें। निश्चय प्रेम प्रतीकते बिनय करे सम्मान, इसका शीर्षक यहां से शुरू होता है। तो कंटिन्यू जब आप जाप करेंगे बजरंग बाण का, तो जो भी काम आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, वो अनायास ही थोड़े से प्रयासों में आपके काम बनने लग जाएंगे। ये बहुत सारे जातकों के साथ हुआ है, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि मान लीजिए आप किसी कार्य के पीछे बहुत दिनों से लगे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कुछ दिन के लिए, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कुछ दिन के लिए उस कार्य को बंद कर ले, शांत कि वो है ही नहीं, उसको भूल जाए। इसे कहता हूं मैं पुनः कार्य को करना, मतलब पुनः फिर दूसरी को, क्योंकि बहुत सारे कार्य, बहुत से काम ऐसे हैं जो कोशिशों में सफल होते हैं। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, तो उसे दूसरी कोशिश कर लें कि भाई पहली कोशिश जो हमारी असफल हुई, हम दूसरी कोशिश करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले आप एक बार पूरी गीता का अध्ययन कर लें, पूरे 18 अध्याय, एक एक या तो 18 दिन का गैप ले लें और रोज एक हाटा पढ़ना शुरू करें और गीता को जरूर पढ़ें। गीता को पढ़ने से ये मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है और भूल, मतलब सिर्फ एक कैजुअली हम पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं, उसको समझना भी है। और उसको समझने के बाद जो जो चीज़ें हमारे काम से रिलेटेड, आपको हर एक जवाब मिल जाएगा कि जो भी काम में अड़चने आ रही हैं, जो भी चीज़ हो रही, आपके हर प्रश्नों का उसमें उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। बस आपका वो नज़रिया होना चाहिए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तीसरा उपाय है कि आप गुरु मंत्र जरूर लें, और नहीं कोई गुरु व्यक्ति को तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, वो भी सकारात्मक है। ओम नमः शिवाय।